सबसे पहले तो इस इल्यूजन को हमको हटाना है कि जब ये दुनिया परफेक्ट हो जाएगी तो मैं खुश होऊंगा, या जब ये दुनिया ठीक हो जाएगी तब मैं खुश होऊंगा, वो कभी नहीं होगा। तो आपका ये जो उम्मीद है वो तो मैंने तोड़ दी, तो आप खुश कैसे हो गए? ये दुनिया जैसी थी वैसी ही है, वैसी ही रहने वाली है। पहले तो इसको अपने दिमाग में हमको अच्छे तरीके से बिठाना है। इस दुनिया में पहले भी कुछ अच्छे लोग थे, कुछ बुरे लोग थे, आज भी कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, कल भी कुछ अच्छे लोग होंगे, कुछ बुरे लोग होंगे। और हमेशा याद रखना है, इस दुनिया में अच्छाई बुराई से बहुत ज्यादा है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप लोग अभी जिंदा नहीं होते, हम लोग अभी जिंदा नहीं होते, हम सुसाइड कर चुके होते या तो, या फिर हमको कोई मार दिया होता किसी ना किसी ने। तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ लोग हैं जो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। जैसे ही हमारे दिमाग में इस तरह की चीजें आती हैं तो अब हमको अच्छाई दिखनी शुरू हो जाती है, नहीं तो हमको सब जगह सिर्फ बुराई दिखेगी। जितना आप बुराई देखोगे उतना ही दुखी होगे, जितना आप दुखी होगे दुनिया को उतना ही दुखी करोगे, और फिर उस दुख के एक्सक्यूजेस दोगे कि मैं ना इस वजह से दुखी हूं क्योंकि मेरी तो प्रॉब्लम ही ऐसी है, मेरी तो लाइफ ही ऐसी है, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है मेरी लाइफ की सिचुएशन क्या है। हर आदमी अपने आप को दुखियारा दिखाने में लगा हुआ है, उसको पता नहीं क्या मजा आ रहा है अपने आप को दुखियारा दिखाने। लोगों को खुश होने में और अपनी खुशी को एक्सप्रेस करने में भी डर लगता है कि किसी की नजर ना लग जाए। अरे भैया, इस दुनिया में पहले ही बहुत दुखी लोग हैं, अब और दुख नहीं चाहिए, ये बात हम समझते क्यों नहीं है? इस दुनिया को कैसे लोग चाहिए? वो जो दुखी हो, औरों के दुख की बात करके दुखी हो, इस सोसाइटी में जो कुछ बुरा हो रहा है उसकी बातें करें और दुखी हो जाए, आपको भी दुखी कर दे, खुद अपने पास्ट के बारे में बात करें, खुद अपनी बीमारियों के बारे में बात करें, खुद अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कचर 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 करते रहें 24 घंटे, या फिर जो खुश हो जैसे बच्चे। हमारी आदत ऐसी बन गई है कि हमें सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नजर आती है। हमारे अगर पेरेंट्स हैं तो उनकी अच्छाइयां नजर नहीं आती है, उनकी भी कमियां ही नजर आती है, इसलिए हम दुखी हैं। सोसाइटी में जो कुछ गलत हो रहा है वो तो हमें नजर आता है, जो अच्छा हो रहा है वो हमें नजर नहीं आता है। मीडिया ने ऐसी कंडीशनिंग कर दी है हम सबकी, इतना नेगेटिव 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 दिखा करके सबके लोगों में दिमाग में ऐसा कुछ बिठा दिया है कि सब कुछ ही गलत हो रहा है, सब तरफ कहीं भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। मानते हो सब लोग? दिमाग में आता नहीं है, हम किसी को भी देखते हैं तो हमको अंदर से डाउट आने लग जाता है, शक होने लग जाता है कि कहीं ये बंदा भी गड़बड़ तो नहीं है, होता है ना? हाँ, मतलब हम शक्की हो गए हैं बहुत ज्यादा। हमारा दिमाग हमेशा नेगेटिव चीज की तरफ ही जाएगा। कोई अच्छा इंसान भी आएगा तो वो भी हमें बुरा ही लग रहा होगा, कोई इंसान कुछ अच्छा भी कर रहा होगा हमारे साथ में तब भी हमको अंदर से डाउट आ रहा होगा, ये अच्छा कर रहा है जरूर इसका कोई ना कोई मतलब है। ये सब थिंकिंग जो है वो गलत डायरेक्शन में चली गई है, जबकि अगर रियलिटी जो है वो उससे बहुत अलग है। आप एक्चुअल में आंख खोल करके इस दुनिया को देखोगे, मीडिया की नजर से नहीं, उस कंडीशनिंग से नहीं जैसा कि मीडिया ने हमारे माइंड को कंडीशन कर दिया, बल्कि एक्चुअल में लोगों को देखोगे, ध्यान से देखो कभी बैठ करके, आपको भोलापन नजर आएगा, इनोसेंस नजर आएगी। हर आदमी अंदर से कहीं ना कहीं से डरा हुआ है, हर आदमी खुश होना चाहता है, आपसे बिल्कुल भी अलग नहीं है, मेरे से बिल्कुल भी अलग नहीं है। हर आदमी अपने अपने तरीके से, तरीके अलग अलग हैं हर एक के, बट खुश होने की कोशिश कर रहा है, खुश रहने की कोशिश कर रहा है। उसमें से कुछ लोग हैं जो अपने सर्कमस्टांसिस की वजह से बेचारे बहुत ज्यादा दुखी हैं, जिस वजह से वो और लोगों को दुख दे रहे हैं। ऐसा नहीं उनको मजा आ रहा है दुख देने में। आप किसी जेल में भी जाओगे तो वहां पर भी जाकर के आप जब लोगों से बात करोगे तो कोई खुश नहीं होता ये सब करके, क्राइम करके। उनको भी रिग्रेट होता है, उनके अंदर भी दिल है,